और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में स्क्रीन एनालिस्ट्स द्वारा आयोजित भोजपुरी सिने अवार्ड लगभग सभी सितारों के रंगारंग कार्यक्रम के बीच संपन्न हुआ। समारोह में साल 2017 की फिल्मों और उनसे जुड़े कलाकार और टेक्नीशियन को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जाने माने निर्देशक मंजू ठाकुर को उनकी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अवार्ड की लिस्ट कुछ इस तरीके की है। बेस्ट फिल्म मेहंदी लगा के रखना, बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2, बेस्ट एक्टर खेसारी लाल यादव मेहंदी लगा के रखना के लिए दिया गया। तो वहीं बेस्ट पॉपुलर एक्टर अवार्ड दिनेश लाल यादव निरहुआ को दिया गया फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के लिए। बेस्ट एक्टर काजल राधवानी फिल्म मेहंदी लगा के रखना। बेस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के लिए। बेस्ट पॉपुलर डायरेक्टर राजकुमार पांडे। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर रजनीश मिश्रा फिल्म मेहंदी लगा के रखना के लिए। बेस्ट मेल सिंगर आलोक को दिया गया। बेस्ट फीमेल सिंगर कल्पना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूनम दुबे। बेस्ट आइटम नंबर ग्लोरी मेहता। मेगा स्टार रवि किशन को भोजपुरी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सभी कलाकारों ने अपने भोजपुरी डांस परफॉर्मेंस से कोलकाता वासी का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आए।